अजीब दौर था, अजीब जमाना था, अजीब वक्त था, अजीब लम्हे थे। अजीब थी वो धरती जिस पर साम्राज्यवाद ने खूनी नाटक खेला, वो धरती जो धनवान भी थी वो कंगाल भी, कंगाल अपने बेटे और बेटियों के लिए, धनवान लुटेरों के लिए। और इस दौर ने अजीब लोगों को जन्म दिया, मेरे और तुम्हारे जैसे लोग, आम इंसान, खेती पर काम करने वाले मजदूर, किसान, तालिब इल्म, उस्ताद, दुकानदार, औरतें, मर्द, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या ये समझो कि जैसे तमाम हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ था। गलियों, कूचों, बाजारों में आज़ादी के दीवाने सर पर कफन बांधे अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। आओ नी पेड़ों रल मिल गाये कोड़ियां, भगत सिंह सरदार निया, भगत सिंह सरदार वे वीरा, भगत सिंह सरदार निया। सन 1857 की आंधी गुजर चुकी थी। उत्तर भारत के शहरों, कस्बों और गांव की मिट्टी शहीदों के खून से लाल हो चुकी थी। जुल्म और दमन की चक्की में पिसकर आवाम निराशा के दौर से गुजर चुके थे। उसी निराशा की कोख से एक बार फिर उम्मीद जन्म ले रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो चुका, बंगाल के विभाजन की साजिश रची जा चुकी, स्वदेशी की आग लोगों के दिलों को गर्मा चुकी, महात्मा गांधी हिंदुस्तान वापस आ चुके। पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानी ब्रिटिश साम्राज्य का साथ देकर रॉयलिस्ट एक्ट का धोखा खा चुके, सरकार हर मुखालफत को दबाने के लिए कानून बना चुकी, गदर पार्टी की नींव रखी जा चुकी, जनरल डायर के जुल्म पर सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, सारा ब्रिटिश साम्राज्य दहल चुका था। लगातार लूट, खसोट, भुखमरी, बेकारी, सूखे, दमन और बेइज्जती ने नौजवानों को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। बंगाल, यूपी, मद्रास, पंजाब और महाराष्ट्र में अब हथियार बंद गुट बन चुके। इन आजादी के दीवानों को ब्रिटिश सरकार ने टेररिस्टों का नाम दिया। ऐसा था वो दौर। सरदार अर्जुन सिंह का घर भला इस चिंगारी से कैसे बचा रह सकता था? वो तो खुद आर्य समाजी होकर रूढ़िवाद के खिलाफ झंडा उठाए हुए थे। अगली नस्ल एक कदम आगे निकली। सरदार स्वर्ण सिंह जेल में शहीद हुए। अजीत सिंह जेल से फरार होकर अंबा प्रसाद सूफी के साथ नेपाल की तराई में घूम घूम कर आजादी की जंग लड़ते रहे। सरदार किशन सिंह भी आजादी की इस लड़ाई में बार बार जेल गए। ऐसे माहौल में भगत सिंह ने आंखें खोली। सूझबूझ, बगावत, अथाह हिम्मत का पहला सबक यहीं तो सीखा था। सन 1919 पूरा देश, पूरा भारत ऐसे दहक उठा जैसे किसी ज्वालामुखी के कगार पर बैठा। और जब गांधी जी के सत्याग्रह लीग ने रॉयलिस्ट एक्ट के खिलाफ उसकी मुखालफत करने के लिए आह्वान किया पूरे देश की तरुणाई का, तो पूरे देश के अंदर एक आंदोलन की, हड़तालों की, बंद की पूरी लहर दौड़ पड़ी। और जितनी तेजी से लोग सड़कों पर आए आंदोलन करने के लिए,
सरकार के खिलाफ उतनी ही तेजी से सरकार ने दमन का चक्र चलाना शुरू किया। देश में जैसे आग लग गई। अंग्रेज सरकार को खदेड़ने के लिए पूरा देश इस पूरे के पूरे ज्वालामुखी में कूद पड़ा। लाहौर की गलियों में औरतें जमा होकर रोटियां पका रही थीं और ये रोटियां मुफ्त बट रही थीं ताकि बाजार बंद रहे और कोई जाए ना, तो उसके लिए ये एक प्रदर्शन का तरीका था और जगह जगह लोग इस तरह की डेमोंस्ट्रेशन कर रहे थे। सबक सिखाने की चाह में जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 के दिन 10,000 निहत्थे मर्दों, औरतों और बच्चों पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। सारे रास्ते बंद थे। लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूदने लगे। कुआं लाशों से भर गया। हाँ, यहीं वो खूनी ड्रामा रचा गया जिसे हम जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। ये निशान आज भी उस बर्बरता की याद दिलाते हैं जिसके बल पर ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया को सभ्य बनाने निकला था। बारह साल के भगत सिंह को बहुत अच्छी तरह मालूम था कि आवाम पर यह हमला ना तो पहला है और ना ही आखिरी। असहयोग आंदोलन की चोट खाए हुए नौजवान, खासतौर से भगत सिंह और सुखदेव, अगले 2 साल में हथियार बंद आंदोलन की तरफ बह चुके थे। उनकी हर कोशिश थी कि छात्रों और आवाम के दिलों में अंग्रेजी नफरत को जगाए रखें। इसके लिए वो हर हथियार इस्तेमाल करने को तैयार थे, गोला बारूद से लेकर नाटकों तक। शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था। दो नौजवान दोस्त भगत सिंह और यशपाल रावी नदी पर नाव चला रहे। सन्नाटे की चादर पर उनके चप्पू की आवाज़ सिलवटें बना रही थी और अचानक यशपाल बोले, लेट अस प्लेज आवर लाइफ टू आवर नेशन। बेहद गंभीर होकर भगत सिंह ने कहा, आई डू प्लेज। और उनकी ये कसम फांसी के तख्ते पर लटकने तक कायम रही। 18 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते भगत सिंह का पूरा ध्यान खुफिया संगठन बनाने की ओर जुड़ गया था। वे और सुखदेव अक्सर कॉलेज से गायब हो जाते। हालांकि उन्हें शेरो शायरी का बहुत शौक था, वो धीरे धीरे छूटती गई और एक ही चीज़ उनके जहन में रह गई, इनकलाब और खुफिया संगठन बनाना। कोई भी उन्हें मिलता तो उनकी आंखों में एक ही सवाल होता, क्या इस चीज़ में तुम मेरे साथ हो। द्वारकादास लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे राजा राम शास्त्री। लाइब्रेरी एक अच्छा अड्डा बन गई जहां से वो बाहर वाली जो भी नई किताबें आती उनको मंगवाने के लिए राजा राम शास्त्री जी की मदद ली जाती और साथ ही ये नज़र रख सकते थे कि कौन नौजवान कौन सी किताब पढ़ रहा है और उसको किस तरह मतलब नौजवान भारत सभा के में लाया जाए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बन चुके थे। इसका ज़रूरत इसलिए पड़ा ताकि जो काम खुले आम कर सकें वो करने की आज़ादी हो।
भगत सिंह भगवती चरण और रामचंद्र कपूर के लीडर थे। लाहौर में पहला पर्चा इस कामयाबी से फांडा गया कि लोगों को पता ही नहीं लगा कि ये कहां से आया। खुफिया संगठन अभी अपने पैरों पर खड़ा हो ही रहा था कि तभी भगत सिंह पर आफत टूट पड़ी। लाहौर के एक मेले में बम फटा, पुलिस ने भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 60,000 रुपए की जमानत पर 5 हफ्ते के बाद जेल से छूट तो आए, मगर पिता किशन सिंह पीछे पड़ गए कि शादी करो। बाप ने बेटे पर लगाम कसने का यही तरीका सोचा। भगत सिंह ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि मेरी जिंदगी अब अंग्रेजों के खिलाफ जंग को समर्पित है, लेकिन किशन सिंह ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अब भगत सिंह और उनके दोस्त उनसे बचने लगे। एक दिन यशपाल को उन्होंने उनके कमरे पर पकड़ लिया। भगत कहाँ है? उससे कहता क्यों नहीं कि शादी करे? तू नहीं कह सकता तो मुझे सुखदेव का पता बता दे। यशपाल ने पीछा छुड़ाने के लिए 2-3 दोस्तों के नाम बता दिए। सुखदेव तो नहीं मिले, लेकिन एक दोस्त के घर भगत पकड़ में आ गए। 3 दिन के बाद यशपाल का सामना भगत सिंह से हुआ। वो बहुत गुस्से में था। यशपाल ने सफाई दी, तब कहीं जाकर मामला ठंडा हुआ। उसके बाद तो भगत सिंह ने खूब मजे ले लेकर बाप से मुलाकात का किस्सा सुनाया, बदन पर पड़े डंडे के निशान दिखाए, जमकर पिटाई हुई थी। भगत सिंह ने बिना किसी को बताए लाहौर छोड़ दिया। लाहौर से भगत सिंह सीधा दिल्ली पहुंचे। कुछ दिन दिल्ली में अर्जुन अखबार में काम भी किया बिना पैसों के, फिर कानपुर की राह ले ली। उन्हें मालूम था वहाँ किसान और मजदूर संगठित हो रहे हैं, वहाँ का खुफिया संगठन भी सक्रिय था। हसरत मोहानी, जो कानपुर में बड़े मजदूर नेता की तरह जाने जाते थे, उन्होंने भगत सिंह को समझा बुझाकर वापस लाहौर भेज दिया। अजीब लड़का था वो, न खाने की फिक्र, न ठिकाने का होश, न कपड़ों पर ध्यान। पढ़ने का शौक दीवानगी की हद तक था। कभी कभी तो सड़क पर चलते हुए भी पढ़ता रहता था। फांसी के तख्ते पर जाने वाले दिन भी किताब उसके हाथ में थी। कानपुर से लौटा तो कमीज गायब थी, पैजामे की जगह लुंगी ने ले ली थी। पैजामे का आसन और कोट की आस्तीनें फटी तो पैजामे की टांगें काटकर आस्तीनों की जगह लगा ली। लेकिन एक किताब तब भी मौजूद थी। कानपुर में कुछ दिन अखबार बेचकर काम चलाया। प्रताप अखबार के एडिटर गणेश शंकर विद्यार्थी से मुलाकात हुई। यह भी जिंदगी का एक अहम मोड़ था। कानपुर के अखबार में नौकरी मिली तो वो काकोरी के क्रांतिकारियों तक जा पहुंचा। लिखना पढ़ना, इनकलाबियों की संगत, और क्या चाहिए एक इनकलाबी को। 23 साल की उम्र में सैकड़ों किताबें पढ़ ली थी। किताबों से नोट्स लेना, मार्जिन में लिखना, लाइनों पर निशान लगाना, कोटेशंस इकट्ठा करके डायरी में दर्ज करने की आदत से ही तो हमें पता चलता है कि भगत सिंह की सोच, उनके विचारों और उनके जहन को कौन सी किताबें ढाल रही थी। कितना अजीब लगता है उस जमाने में किसी का धर्म और रूढ़िवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करना। लाला लाजपत राय जैसे विद्वान सांप्रदायिक सियासत की तरफ झुकते जा रहे थे, और दूसरी तरफ ये नौजवान नई राहों की तलाश में धर्म की राजनीति के खिलाफ अपनी सोच को तेज धार पहना रहे थे। कानपुर पहुंचने पर शिव वर्मा से मुलाकात हुई। वहाँ इलाहाबाद, गोरखपुर, बनारस, झांसी के इंकलाबियों के बारे में पता भी चला। इस बीच काकोरी केस के कुंदनलाल कराची से कानपुर लौट आए। चंद्रशेखर आजाद और उनके बीच अभी तक संपर्क था। पता मिलने पर गयशंकर प्रसाद ने कुंदनलाल को झांसी भेजा और चंद्रशेखर आजाद को कानपुर बुलवाया। यही मुलाकात थी जो आगे चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की नींव रखने का आधार बनी। भगत सिंह, शिव वर्मा और बिजॉय कुमार ने यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, बिहार, बंगाल और राजस्थान के इनकलाबियों को इकट्ठा करने का बीड़ा उठाया।
1928 में नॉर्दर्न इंडिया के रिवोल्यूशनरी जो थे वो इकट्ठे हुए फिरोज शाह कोटला पे, और उन्होंने ये फैसला किया कि हम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल के सोशलिज्म का वर्ड जोड़ देंगे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसको कहेंगे। ये एक बहुत बड़ी बहुत ज़बरदस्त तब्दीली थी, क्योंकि एक कमिटमेंट दी गई उस वक्त के रिवोल्यूशनरीज की कि हम सोशलिज्म की तरफ आगे जाएंगे, और सोशलिज्म का मतलब था समाज के पूरे ढांचे को बदलने का। अंग्रेज़ों से आज़ादी तो ठीक थी, लेकिन अंग्रेज़ों की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की क्या शक्ल होगी? तो भगत सिंह और उनके कॉमरेड जो है उन्होंने ये फैसला किया कि हम सोशलिज्म को अपना ध्येय बनाएंगे, अपना मुद्दा बनाएंगे। और सोशलिज्म का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ कि कोई मीठी मीठी बातें करना, बल्कि सोशलिज्म का मतलब था कि सरमायादारी समाज को ख़त्म करके उसकी जगह समाजवाद लाना। फिरोज शाह कोटला के इन्हीं वीरान मगर खूबसूरत खंडहरों में इसी जगह 8 और 9 सितंबर को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की एक तारीखी मीटिंग हुई। यहीं वो प्रस्ताव रखा गया जिसमें भगत सिंह ने कहा था, अब वक्त आ गया है हम ऐलान कर दें कि सोशलिज्म हमारा आखिरी मकसद है। पार्टी के उसूलों को इस जरूरत के तहत बदला जाए ताकि मुल्क के आवाम समझ पाए हमारा मकसद क्या है। हमें छोटे पुलिस अफसरों और मुखबिरों को मारने में अपनी ताकत और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। कलेक्टिव लीडरशिप के उसूल पर सख्ती से अमल करना होगा। सोशलिज्म का लफ्ज जुड़ते ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में तब्दील हो गई। ये एक बड़ा बदलाव था, ये कल्पना थी एक इनकलाब की, ये हमला था छुआछूत और ऊंच नीच से बोझल समाज पर, यह इनकार था किसानों और मजदूरों पर होने वाले दमन से, ये एक सोच थी एक ऐसे हिंदुस्तान की जिसमें सब इंसान बराबर हो, यह ख्वाब था साम्राज्यवाद से आजाद एक मुकम्मल देश का, और अपने ख्वाबों के इस वतन के लिए वो अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार थे। यही फैसला हुआ कि HSRA के सिपाही अपने खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, घर बार छोड़ना होगा, उनकी जिंदगी के 24 घंटे पार्टी के काम के लिए वक्फ होंगे। सरकार के गोरे साइमन कमीशन के आने की खबर ने आवाम को एक बार फिर सियासत के उबलते कड़ाव में ढकेल दिया। कलकत्ता से लाहौर तक एक लहर सी उठी, हर तरफ साइमन गो बैक के नारे बुलंद होने लगे। HSRA ने फैसला लिया कि साइमन का विरोध हम सबको करना चाहिए। लाला लाजपत राय के साथ हजारों की भीड़ साइमन का रास्ता रोकने पहुंची। लाठीचार्ज हुआ। भगवती चरण, यशपाल, सुखदेव, धनवंतरी, एहसान इलाही सब लाला जी के आसपास मौजूद थे। स्कॉट ने लाठीचार्ज का हुक्म दिया। सॉन्डर्स चंद सिपाहियों के साथ लाला जी पर टूट पड़ा। सत्रह नवंबर 1927 के दिन लाला लाजपत राय की मौत हुई तो एक बार फिर सनसनी छा गई। भगत सिंह ने कहा, हमें बदला लेना चाहिए। फैसला हुआ सॉन्डर्स को खत्म कर दिया जाए, मंसूबे बने। भगत सिंह और राजगुरु को गोली चलाने की जिम्मेदारी दी गई, जयगोपाल को रास्ता रोकने की और आजाद को ढाल बनकर पीछा करती पुलिस को रोकने की।
अगले दिन नौजवान भारत सभा के अनेकों सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन उनको पुलिस को बताने के लिए कुछ मालूम नहीं था। लाहौर में खास खास जगहों पर कुछ पर्चे लगे दिखाई दिए, जिससे ये पता चला कि नौजवान भारत सभा ने किस प्रकार का एक्शन शहर में किया है। कितना अजीब जमाना था, कितने अजीब लोग थे। सुखदेव ने दुर्गा भाभी से कहा, सॉन्डर्स के कत्ल के एक आदमी को लाहौर से निकालना होगा। माँ भी बनना पड़ सकता है, बीवी बनना पड़े, शायद मेम बनना पड़े, गोली भी लग सकती है। भाभी बोली, कौन है ये इंसान? सुखदेव बोले, कोई भी हो। तो भाभी बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ। कितनी अजीब बात थी, एक साधारण महिला ना सिर्फ अपनी जान देने के लिए तैयार हो गई, अपने 3 साल के बच्चे को भी वो साथ लेने के लिए तैयार थी। इस बात को भला हम कैसे भूल सकते हैं कि जब भगत सिंह दुर्गा भाभी को साथ लेकर कलकत्ता स्टेशन पर पहुंचे, तो दुर्गा भाभी के पति भक्त चरण वोहरा उनको देखकर खुशी से चौंक गए। भगत सिंह सुशीला दीदी के घर में उनके भांजे बनकर रहने लगे। वो लाला छज्जूराम की हवेली में रहती थीं और दिन भर तबीयत खराब होने का बहाना करके घर में छिपे रहते, लेकिन रात को वो इनकलाबियों को ढूंढने निकलते थे और आखिरकार उन्हें कामयाबी मिली और जतिन दास को उन्होंने ढूंढ ही निकाला। फैक्ट्री क्या थी? अच्छी खासी लाइब्रेरी थी, दुनिया भर की किताबें इकट्ठा कर ली थी भगत सिंह और शिव वर्मा ने। बम बनाने की ट्रेनिंग लेने के लिए इनकलाबी यूपी, बिहार, पंजाब और राजस्थान से यहीं आते थे। बम, पिस्तौल और बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जाती, बैंक लूटने के प्लान बनते, बहसें भी हुआ करती। सोशलिज्म और कम्युनिज्म पर ख्यालात के तबादले ने इन क्रांतिकारियों को रूस के इनकलाब के बहुत करीब कर दिया था। HSRA के नारे अब सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो थे। भगत सिंह ने शुरू से ही हर हर महादेव, जय बजरंगबली, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर जैसे नारों की मुखालफत की थी। ऐसा लगता था जैसे ये लोग सिर्फ इनकलाब ही ओढ़ते थे, इनकलाब ही बिछाते थे, इनकलाब ही सोचते थे। पैसों की कमी थी तो खाने पर कम से कम खर्च किया जाता। आजादी के दीवाने कई कई दिन तक भूखों रहते। पाई पाई जोड़कर हथियार और गोला बारूद बनाने के लिए मसाला खरीदा जाता। एक जुनून था देश को आजाद करने का, एक नया समाज गढ़ने का। भगत सिंह और उनके साथियों का फैसला हुआ कि असेंबली पर बम फेंका जाए। तो उस फैसले के साथ उन्होंने लाहौर में भी, सहारनपुर में भी और दिल्ली में भी अपनी HSRA की ब्रांचेस खोली। और असेंबली में बम फेंकने से पहले वो दरियागंज में एक फोटोग्राफर के पास गए और फोटो खिंचवाए। उसके बाद वो असेंबली में उन्होंने जाके बम फेंका और वो वापस आए। लेकिन फिर ये समस्या पैदा हुई, फोटो लिए कैसे जाएं? क्योंकि वो फोटोग्राफर वही था जिसने उनकी लॉकअप में भी फ़ोटो खींची हुई थी। तो शिव वर्मा और जयदेव गए फोटोग्राफर के पास फ़ोटो लेने के लिए। फोटोग्राफर उनको देख के मुस्कराया और उसने फोटोग्राफ उनके हाथ में दी और साथ नेगेटिव भी दे दिया और कहा, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और फिर उसने कचहरी में उनकी शिनाख्त करने से भी इनकार कर दिया। आज सुबह ही तो दिल्ली के कुदसिया बाग में भगवती चरण, दुर्गा भाभी और सुशीला जी भगत सिंह से मिले थे। सुखदेव ने उन्हें ये कहकर बुलाया था कि अगर आखिरी बार भगत सिंह से मिलना है तो दिल्ली आ जाओ। दुर्गा भाभी संतरे और रसगुल्ले लेकर आई थी, बहुत पसंद थे ना भगत सिंह को। आखिरी बार एक क्रांतिकारी को लाड करने। April 8, 1929, अजीब दिन था।
जैसे ही पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस खत्म हुई, सर सुस्टर ने ऐलान कर दिया, वाइस रॉय ने खास इख्तियार इस्तेमाल करके इन दो बिलों को कानून बना दिया है। लगातार दो बमों के धमाके हुए, फिर दो गोलियां चली। इस धुएं और अफरा तफरी में लाल पर्चों की बारिश होने लगी। हाँ, यही जगह थी जहां वो नारे गूंजे थे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो। इस धुएं और अफरा तफरी में दोनों भाग भी सकते थे, लेकिन नहीं, HSRA का फैसला था गिरफ्तार होना है। बीके दत्त को नई दिल्ली थाने ले जाया गया और भगत सिंह को दरियागंज थाने। 8 अप्रैल 1929, चीफ कमिश्नर दिल्ली ने होम सेक्रेटरी को लिखा, आज दोपहर लेजिस्लेटिव असेंबली में धमाकों पर SP दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक जिन दो लोगों ने बम फेंके, उन्होंने भागने की कोई कोशिश नहीं की। भगत सिंह ने कहा कि वो इन धमाकों का जिम्मेदार है। 9 अप्रैल अगले दिन सारे अखबार इसी खबर से भरे थे। एक अखबार ने तो यहाँ तक लिखा, सरकार को लाल चेतावनी, तुम इंसान को मार सकते हो, ख्यालात को नहीं। कुछ अखबारों ने HSRA का लाल पैम्फलेट पूरे का पूरा छाप दिया। ये पहली चीज थी, उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई थी। HSRA का पैगाम पूरे मुल्क में फैल चुका था। हिंदुस्तान की हर जुबान के अखबार अगले 2 साल तक भगत सिंह और उनके दोस्तों के बारे में कुछ न कुछ छापते रहे। 10 अप्रैल बॉम्बे क्रॉनिकल, मुलजिमों का बयान देने से इनकार। 12 अप्रैल हिंदुस्तान टाइम्स, असेंबली बमों की गूंज इंग्लिस्तान तक। 14 अप्रैल को लाहौर की बम फैक्ट्री पर छापा पड़ा। सुखदेव के साथ वहां के और क्रांतिकारी भी गिरफ्तार हुए। उसी दिन वॉयसराय ने लंदन तार भेजा। ये शक पुख्ता हो गया कि सॉन्डर्स के कत्ल में भगत सिंह का हाथ था। 16 अप्रैल बॉम्बे क्रॉनिकल, पुलिस का लाहौर में छापा, 3 नौजवान हिरासत में। 17 अप्रैल हिंदू संसार, लाहौर में बम के कारखाने पर छापा, 20 से अधिक बम बरामद, भगत सिंह की शिनाख्त। 26 अप्रैल चीफ कमिश्नर दिल्ली का खुफिया खत, हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बीके दत्त और भगत सिंह की सांठगांठ, इस जरिए से जांच पड़ताल की खबर प्रेस तक पहुंची। 10 मई होम सेक्रेटरी को भेजी गई सरकारी खुफिया रिपोर्ट, लाहौर में भगत सिंह के पास 4 बम थे, इन्हीं में से 2 असेंबली में इस्तेमाल हुए। उन्हें अब तक ये पता नहीं चल सका था कि पाई पाई जोड़कर ये बम आगरा की फैक्ट्री में बने थे। 11 मई अभ्युदय, मुलजिम ने अदालत में आते ही इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। अब ये नारे अदालत में ही नहीं, सारे हिंदुस्तान में गूंज रहे हैं। 13 मई सरकारी खुफिया रिपोर्ट, सहारनपुर की बम फैक्ट्री पकड़ी गई। एक अंदाजे के मुताबिक इन लोगों ने 44 बम बनाए थे, 9 सहारनपुर में मिले, 9 लाहौर में मिले, 2 असेंबली में इस्तेमाल हुए, 24 का अभी तक कुछ पता नहीं। 18 मई भगत सिंह और बीके दत्त अदालत की कार्रवाई के दौरान हंसते मुस्कुराते रहे। वकीले बचाव आसिफ अली ने कहा, इन बमों के धमाकों से एक बिल्ली तक नहीं मरी, ना कोई खास जख्मी हुआ, मारना इनका मकसद था ही नहीं। 29 मई वॉयसराय का खत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम, हमें स्कॉटलैंड यार्ड से मदद लेनी चाहिए, हम सबूत जमा करने में कोई कसर नहीं उठा रखना चाहते। 4 जून जेल में नस्लवाद, गोरे मुजरिमों के लिए बेहतर खाना रहना सफाई, हिंदुस्तानी मुजरिमों के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक। 4, 5, 6, 7 और 10 जून अदालत ने लगातार दर्ज किया,
भगत सिंह और बीके दत्त ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और फिर अदालत थक गई, मगर इनकलाबी नहीं थके। 12 जून 1929 के दिन अदालत ने 1929 असेंबली बम मुकदमा नंबर 9 में शहंशाह बनाम भगत सिंह और बीके दत्त का फैसला सुनाया। दोनों को उम्र कैद। सॉन्डर्स कत्ल का मुजरिम भगत सिंह लाहौर में। मुजरिमों की तस्वीर छापने पर पाबंदी। 12 जुलाई अभ्युदय, जेल के बाहर हजारों की भीड़, मुजरिमों का स्वागत इनकलाब जिंदाबाद से। 13 जुलाई अभ्युदय, मियांवाली जेल में भूख हड़तालियों की हालत खराब, दत्त कई बार बेहोश, जंजीरों में भगत सिंह बेहद कमजोर। पंडित जवाहरलाल नेहरू कैदियों से मिले, बयान, उसूलों की लड़ाई जारी। 12 अगस्त बॉम्बे क्रॉनिकल, बिना खाए पिए 60 दिन। 12 अगस्त वॉयसराय का खत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम, मुलजिमों की हालत खराब है, उनके लिए लगातार हमदर्दी बढ़ती जा रही है, सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, अब वो भी हमदर्द हैं जो कभी साथ नहीं थे। 6 सितंबर 500 कैदी भूख हड़ताल में शामिल, जतिन दास मौत के बिस्तर पर। 7 सितंबर जतिन मौत और जिंदगी के बीच, कभी भी मर सकते हैं। साम्राज्यवाद की इज्जत के शिकार जतिन दास ने मादरे हिंद पर जान कुर्बान कर दी। जतिन की राख से हजारों जतिन उठेंगे, जतिन का शव कलकत्ता पहुंचा, स्टेशन पर 1.5 लाख का हुजूम, आखिरी दीदार के लिए लोग टूट पड़े। मुझे अपने बेटे पर फख्र है, जतिन के पिता। 15 अक्टूबर सरकारी खुफिया रिपोर्ट, नौजवान सभा का खतरा बना हुआ है, शिवराम राजगुरु पुणे में 30 सितंबर को गिरफ्तार। 19 फरवरी 1930, वॉयसराय का खत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के 9 मुलजिमों की हालत खराब, 4 तो बेहद कमजोर हो गए हैं, राजगुरु को निमोनिया हो गया है, वो मरने के कगार पर है। 1 मई गैर मामूली गजट, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के लिए नया कानून, ट्रिब्यूनल का गठन, 3 जज मुकर्रर। 7 अक्टूबर अदालत का फैसला, ताजशाही बनाम सुखदेव और साथी, सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को सजाए मौत, किशोरी लाल मोहिंदर सिंह, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, गया प्रसाद, जयदेव और कमलनाथ तिवारी को काला पानी, प्रेम दत्त और कुंदन लाल को 5 और 7 साल कैद बामुशक्कत। 15 अक्टूबर खुफिया रिपोर्ट, भगत सिंह को फांसी की सजा पर अवाम गुस्से में है, मुल्क के लिए उसकी कुर्बानी को लोगों के बीच ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे अब हर हिंदुस्तानी नौजवान को उसके कदमों पर ही चलना चाहिए। 16 फरवरी 1931 चीफ सेक्रेटरी का पंजाब गवर्नमेंट को खुफिया हुक्म, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए सजाए मौत याफ्ता मुजरिमों के साथ हमदर्दी जाहिर करने वाले हर जुलूस पर सख्ती से पाबंदी लगाई जाए। 18 फरवरी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी, फैसले के खिलाफ मुल्क भर से हजारों दस्तखत, सरकारी सर्कुलर, सभी चीफ सेक्रेटरीज के नाम। हंगामे के मद्देनजर भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी देने के बाद जहां तक मुमकिन हो ये खबर राज ही रखी जाए। 18 मार्च पंजाब सरकार का केबल, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च को शाम 7 बजे फांसी दी जाएगी। 23 मार्च 1931 वॉयसराय का टेलीग्राम, लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम, फांसी का वक्त आज शाम के लिए मुकर्रर हुआ है, नौजवानों और कांग्रेस के वामपंथियों में शदीद गुस्सा है। 26 मार्च फांसी पर गम और गुस्सा, सारे मुल्क में शोक मनाया जाएगा। हाँ, वो अजीब दौर था, वो अजीब ज़माना था, वो अजीब वक्त था, और अजीब थे वो लोग। और भगत सिंह, जिसने सॉन्डर्स के कत्ल के बाद एक इंसान की जान लेने पर अफसोस जाहिर किया, और जब उसने अपनी फांसी की खबर सुनी तो खिलखिला कर हंस पड़ा। उसकी जंग साम्राज्यवाद की कोख से जन्म लेने वाली भूख
गरीबी और बेइज्जती से थी। वो इंसानी बराबरी के ख्वाब देखता था जिसमें वो अकेला नहीं था, ना तब अकेला था ना आज अकेला है। मेरे और तुम्हारे जैसे सैकड़ों लोग यही ख्वाब तो देखते हैं। ये ख्वाब हर अगली नस्ल की अमानत है। ये ख्वाब हमसे कोई नहीं छीन सकता, फांसी के तख्ते पर भी। We knew that this is our last meeting. Majority of us, almost everybody, was sad. We were passing one by one and shaking hands with Bhagat Singh. I was in the end. हमें मालूम था ये हमारी आखिरी मुलाकात है। सब उदास थे, एक एक करके भगत सिंह से हाथ मिला रहे थे। मैं लाइन में आखिर में था। मुझसे पहले जयदेव कपूर थे, उन्होंने भगत सिंह से पूछा, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो, क्या तुम्हें अफसोस है? भगत सिंह बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ा और कहा, मैंने जब इनकलाबी पार्टी बनाई थी तो सोचा था अगर इनकलाब जिंदाबाद का नारा मुल्क के कोने कोने में ले जा सकूं तो जीवन सार्थक हुआ। आज यह नारा हर तरफ से गूंजता हुआ सुनाई दे रहा है। 23 साल की छोटी सी जिंदगी से और क्या मांगा जा सकता है? फिर मैं आगे बढ़ा, हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। आंखें भीगी हुई थी, भगत सिंह ने आंसू पोंछे और कहा, ये वक्त रोने का नहीं, मैं जल्द ही हर परेशानी से मुक्त हो जाऊंगा। तुम्हें लंबा रास्ता तय करना है, मुझसे वादा करो कि जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता तुम रुकोगे नहीं, तुम थक कर खामोश नहीं बैठोगे, इनकलाब का परचम बुलंद किए हुए आगे बढ़ते जाओगे। आओ नी पेड़ों रल मिल गाये कोड़ियां, भगत सिंह सरदार बैठाए चौकड़ी।